हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। तो मॉर्निंग का टाइम है और इस समय 8:30 AM हुआ है और आप मेरे गार्डन में इस समय धूप देख सकते हैं। काफ़ी तेज़ इस समय धूप है। धूप इतनी तेज़ है कुछ पूछे नहीं, जैसे लग रहा है कि जून आ गया हो। अप्रैल के मंथ में जैसे जून का फील लग रहा है। तो चलिए बात करते हैं कुछ समर प्लांट की जो काफ़ी अच्छे से समर में खिलते हैं, जिनमें ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मिनी सनफ्लावर हैं। ये बहुत ही नॉन केयरिंग प्लांट हैं और इनको अगर आप एक बार भी अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो हर साल ये ऐसे ही समर आने पे अपने आप ही ग्रो हो जाएंगे। आपको इनका सीड भी सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैंने कोचिया लगा रखा है। ये बहुत ही समर का हार्डी प्लांट आप समझ सकते हैं। ग्रीन ग्रीन लुक देने वाला होता है और ज़्यादा इसमें केयर भी नहीं करनी पड़ती है, लेकिन देखने में इसका व्यू बहुत ही सुंदर आता है गार्डन में। आप इसको पॉट में लगा सकते हैं, ज़मीन का गार्डन हो तो उसमें भी आप एक कैरी के नुमा लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छी एक लाइन रो बन जाएगी इसकी, तो बहुत ही खूबसूरत सा लुक देता है ये। इधर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग चल रही है ग्लाडिया की, और इधर भी मैंने पॉट में ग्लाडिया लगाए हुए हैं। तो ये सारे प्लांट अपने आप ही ग्रो हो गए थे तो मैंने इन्हें पॉट दे दिया है। तो इस बार समर में मैंने सिर्फ कोचिया ही प्लांट की परचेजिंग करी है और कोई भी एक्स्ट्रा प्लांट परचेज नहीं किया है। अडेनियम की फ्लावरिंग मैंने पहले भी आपसे शेयर की थी और आप फिर भी अभी रेड वाले फ्लावरिंग कर रहे हैं और ये प्लांट अभी तक फ्लावरिंग नहीं किया था तो अब इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। तो ये भी समर का हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। इसमें भी खूब अच्छी सी फ्लावरिंग चलती रहती है, कई शेड में आपको मिल जाएगा। इधर मॉस रोज आ जाते हैं। ये परमानेंट वैरायटी के मॉस रोज हैं, ये मैंने हर साल से मेंटेन किए हुए हैं। तो ये भी ऐसे ही अगर आप एक बार प्लांट परचेज करके लाते हैं तो इन्हें आप हमेशा शेप कर सकते हैं और इस सीजन समर में ही फ्लावरिंग करते हैं तो ये अच्छे हैं। इनकी एक वैरायटी आती है चाइनीज़ मॉस रोज, वो कहते कि सेफ नहीं होती है पर उनके बीज मिट्टी में सेफ हो जाएंगे तो वो भी हर साल आपके ऐसे ही ग्रो हो जाते हैं जैसे मेरे ग्रां हो जाते हैं। मैं अभी उसको भी आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छे से उसमें भी ब्लूमिंग चल रही है। और इधर फिर से ग्लाडिया आ जाता है, ये आप देख सकते हैं इधर भी ग्लाडिया के फ्लावर खिले हुए हैं। और ये मैंने मशरूम बनाए हैं कोकोनट के, तो जल्दी इस पर भी वीडियो शेयर करूंगी आपसे। और इधर भी मैंने इस पॉट में ग्लाडिया के प्लांट लगा दिए हैं। इधर मैंने लगा रखे हैं सारे मॉस रोज, तो ये चाइनीज़ मॉस रोज की वैरायटी है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी इसमें फ्लावरिंग आई हुई है, तो खूबसूरत से ये रेड खिले हुए हैं। इसमें भी वैरायटी आती है मल्टी पैटर्न्स वाली, तो मेरे पास इसमें सिंगल पैटर्न्स वाली है। कलर सारे यही आते हैं इसके अंदर भी, मल्टी पैटर्न्स में भी। और ये क्रीम शेड आप देख सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी सी ब्लूमिंग कर रहे हैं। पिंक शेड है ये देखिए, इसमें सिर्फ दो फ्लावर खिले, से पहले काफ़ी फ्लावर खिले थे, मैंने शेयर भी किया था। और ये येलो शेड आ जाते हैं, ये भी बहुत ही प्यारे से खिले हुए हैं। और ये है पिंक शेड की, ये डार्क पिंक शेड वाली वैरायटी है। इधर ऑरेंज के फ्लावर आ जाते हैं, ये डार्क ऑरेंज शेड है। और ये देखिए खूबसूरत से पिंक, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये पिंक खिले हुए हैं और ये खिले हुए हैं ऑरेंज कलर की, तो ये लाइट ऑरेंज शेड है। तो ये देखिए मैंने इसको डब्बे में लगा दिया है, तो ये बहुत ही ईजिली ग्रो होने वाले प्लांट हैं और एक बार आप कहते हैं इनको ले आइए तो हर साल ये ऐसे ही आपके मिट्टी में सेफ हो जाएंगे। इनके बीज तो सेफ करने का भी झंझट नहीं है और हर बार ऐसे ही सीजन आने पर अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। तो मैंने इन्हें बस खाली पॉट दिया, ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें येलो शेड का लगा रखा है, ये भी बहुत ही खूबसूरत सा खिल रहा हुआ है। तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जो काफ़ी समर में खूब अच्छी सी ब्लूमिंग करते हैं, इनमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ढेर सारी ब्लूमिंग करते हैं समर के अंदर। और वाटर लिली भी आज खिल गए हैं, तो इससे पहले भी ये खिले थे, इनकी देखिए कलियां आपको सूखी दिख गई होंगी। और यह दो फिट से खिले हुए तो बहुत ही खूबसूरत से लग रहे हैं। और इधर का सेक्शन आ जाता है मेरे चंपा के प्लांट का यानी प्लूमेरिया का, तो तीनों ही शेड मेरे पास से हैं और तीनों में ही अच्छे से फ्लावरिंग आ रही है। तो आप रेड की देख सकते हैं, तो रेड की बर्ड्स आई थी, फ्लावर नहीं खिले थे तो आप फ्लावर भी खिलने लगे हैं। येलो की आप फ्लावरिंग देखिए, काफ़ी अच्छी सी ब्लूमिंग आ गई है, काफ़ी
पांच इसमें फ्लावर बंच आए हैं, काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। और इधर आ जाता है ये वाइट वाला, तो इसमें भी अच्छी सी ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। तो जितने भी मेरे चंपा के प्लांट हैं मेरे गार्डन में, सब में फ्लावरिंग अच्छे से होने लगी है। इधर भी आप देख सकते हैं, ये बड़ा वाला चंपा का प्लांट है और इसमें भी फ्लावरिंग आ गई है। तो काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं चंपा के प्लांट। ये भी समर के हार्डी प्लांट होते हैं और ये एक बार आप लगा लीजिए तो इनमें भी बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होती है। मैंने इन्हें कटिंग के थ्रू लगाया है, मैं कोई भी प्लांट परचेज करके नहीं लाई थी, सब मैंने कटिंग से ही तैयार किए हैं। और ये इस वाले चंपा की भी आप देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी सी ब्लूमिंग इसमें भी हो रही है। और इस तरह का कुछ व्यू आ रहा है मेरे गार्डन का, आप देख सकते हैं पूरा व्यू। तो मैं आपको दिखा दूँ कुछ इस तरह से पूरा व्यू आया है मेरे गार्डन का। कनेर भी अब फिर से खिलने स्टार्ट हो गए, पहली ब्लूमिंग तो इन्हें दे दी है काफ़ी अच्छी सी, ये सेकेंड टाइम इनकी फ्लावरिंग आई है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से लग रहे हैं ये इनके भरे हुए फ्लावर। उसका से भी थोड़ी बहुत कलियाँ आनी शुरू हुई हैं, कुछ फ्लावर भी खिल रहे हैं। तो धीरे धीरे समर के हिसाब से ये बढ़ते चले जाएंगे। और इधर फिर से आ गया है ये कनेर के प्लांट, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और ये पहले काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग कर चुका है, अब फिर से इसने बर्ड देनी शुरू कर दी हैं, कुछ फ्लावर भी खिलने शुरू हो गए हैं। तो ये सब न्यू बर्ड आई हैं, पुराने फ्लावर सब ओवर हो चुके हैं। और बॉटल में मैंने लगा रखे हैं ये चाइनीज़ मॉस रोज़, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावरिंग करते हैं और ये किसी भी छोटी सी जगह में लग जाते हैं। तो देखिए नीचे वाले मैंने पॉट में लगा रखा है ये रेड शेड का, और ऊपर वाले पॉट में मैंने ऑरेंज शेड के लगा रखे हैं, बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर खिले हुए हैं। इधर मैंने लगा रखे हैं पीच कलर के, ये परमानेंट मॉस रोज के प्लांट लगे हुए हैं, इनमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और इधर भी मैंने वाइट शेड के लगा रखे हैं, तो भी फ्लावर नहीं आए हैं। और इस बड़े पॉट में भी मैंने मिनी सनफ्लावर के प्लांट लगाए हुए हैं और ये मैंने मशरूम भी लगा दिए हैं, तो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और इधर भी चंपा का प्लांट आ जाता है और इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग चल रही है। तो ये सब धूप की वजह से जल रहे हैं, पर ये सब खिल चुके हैं, ओवर हो चुके हैं ये प्लांट। और इसके भी आप फ्लावरिंग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा सा बंच आया है फ्लावर बंच। तो ये सेकेंड येलो का प्लांट है, ये भी मैंने कटिंग से ही बनाया है और इसमें देखिए कितने खूबसूरत से विनका के फ्लावर खिल रहे हैं, ये देखिए। तो ये वाले विनका मेरे ना बहुत लगे हैं और ये हमेशा बन जाते हैं, इनमें काफ़ी सीड बनते हैं। इसका मैं एक और दिखाऊंगी जिसके अंदर ये वाइट शेड बना हुआ है बीच में, तो ये भी खूब निकल आए हैं। और इधर आ जाती है ट्रम्पेट की वाइन, तो ये ट्रम्पेट का पॉट है और इसमें भी देखिए ग्लाडिया निकला है, सनफ्लावर निकला हुआ है और इसने भी फ्लावरिंग दे दी है और कलियाँ इसमें भी काफ़ी आई हैं। अपने फर्स्ट फ्लावर अभी खिला हुआ है, ये देख सकते हैं, तो ये फ्लावर बंच आया है तो इसकी भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावरिंग वाली वाइन है और ये भी एक परमानेंट वाइन है। विंटर में ये बिल्कुल सूख जाती है और समर में ये आते ही जैसे आपका मार्च आएगा वैसे ही ये ग्रीन ग्रीन होनी शुरू हो जाती है। तो ये काफ़ी लंबी हो गई है और काफ़ी पुरानी भी हो गई है, ये आप देख सकते हैं कितनी बार मैंने इसको शेयर किया इसकी फ्लावरिंग। तो इधर के एरिया में मैंने पूरे कनेर के प्लांट लगा दिए हैं, तो समझ लीजिए कनेर का जोन है, यानी कहते ओलियंडर के सारे प्लांट लगे हुए हैं। और इधर भी कहते कि ये ग्लाडिया खूब अच्छे से खिल रहा है, ये पॉट टूट चुका है लेकिन ये ग्लाडिया के आप फ्लावर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो बस अब इसको सेटअप करना है, इस पॉट को हटाना है। और इधर भी मैंने कोचिया के कुछ पॉट लगाए हैं, तो ये डिफरेंट पॉट है आप देख सकते हैं, ये थोड़े से हौदी वाले पॉट हैं गोल शेप के। और इधर भी आप मिनी सनफ्लावर की फ्लावरिंग देखिए, काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही है, ये भी खूब अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं। ये सब देखिए कैसे निकल के आए हैं, ये मेरे कनेर के पॉट में लगे हुए हैं और काफ़ी ढेर सारी प्लांट निकल आए हैं, ब्लूमिंग भी बहुत ही खूबसूरत सी कर रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं कनेर की भी फ्लावरिंग काफ़ी अच्छे से चल रही है, तो ये भी खूब अच्छे से खिल रहे हैं।
इधर भी आप देख सकते हैं, ये मैंने येलो ग्लाडिया का प्लांट लगा रखा है। कितने ढेर सारे येलो फ्लावर खिले हुए हैं, तो ये भी बहुत ही फूल देने वाला प्लांट होता है। और इधर भी चंपा का प्लांट आ जाता है और इसने भी ढेर सारी फ्लावर बड्स दे रखी हैं। 4 फ्लावर बड्स इस प्लांट में आई हुई है। और इधर के भी एरिया में भी आप देख सकते हैं, मैंने 3 के पॉट लगा रखे हैं और इनमें भी हिबिस्कस का प्लांट लगा है। इधर के ग्लाडिया भी काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग कर रहा है। और कहते कि ये आ जाता है जेट्रोफा, पिंक कलर वाला जेट्रोफा आप देख सकते हैं, इसकी भी फ्लावरिंग देख सकते हैं। और पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी ब्लूमिंग के साथ है ये गुलमोहर के फ्लावर। तो ये बहुत ही पीछे हैं, मतलब काफ़ी दूर पे ये प्लांट लगे हुए हैं, पर देखने में लग रहा कि मेरे ही गार्डन में लगे हुए हैं। तो पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी सी इसमें फ्लावरिंग चल रही है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा लुक है। और इधर भी आप देख सकते हैं ये रेड जेट्रोफा। तो इधर भी मैंने कुछ प्लांट लगाए हुए हैं और इधर भी ग्लाडिया देखिए कैसे निकला हुआ है। और विन का आप देखिए कितनी अच्छी सी फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये वाले देखिए, ये मेरे पास एक प्लेन पर्पल था और ये आप देख सकते हैं इसमें वाइट है सेंटर पे। तो ये भी बहुत प्लांट खिले हुए हैं, ये देखिए अलग अलग वैरायटी के बन गए हैं, लेकिन पर्पल के ही बन गए हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से निकल रहे हैं। ये मैंडीविला की वाइन आप देख सकते हैं, इसकी भी फ्लावरिंग मैंने शेयर की थी, काफ़ी अच्छी थी। ये भी फ्लावरिंग के साथ है ये देखिए। और इधर आती है धूप, यहाँ 12 बजे तक रहती है, तो ये प्लांट यहीं मैंने रखा हुआ है। और इस पॉट में भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने टर्टल वाइन लगा रखी है और इसमें भी बिनका के प्लांट निकलना है। ये देखिए कितने ढेर सारे 1, 2, 3 प्लांट निकले हुए हैं और कितनी खूबसूरत सी फ्लावरिंग के साथ हैं ये आप देखिए। तो इनको मैं निकाल के अलग लगा दूँगी। इस तरह से पूरा व्यू आ रहा है कनेर के फ्लावरिंग का। तो वाइट भी पूरा खिल रहा है, पिंक भी आप देख सकते हैं, मल्टी पेटल्स वाले पिंक भी आप देख सकते हैं, और इधर पूरा कोचिया के पॉट के साथ। तो इस तरह से पूरा व्यू है और सारे ये सनफ्लावर लगे हुए हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉट भी मैंने सनफ्लावर के बनाए हैं, क्योंकि ये सारे प्लांट निकाल आए थे तो इनको पॉट दे दिया मैंने। तो इनकी ब्लूमिंग भी बहुत ही खूबसूरत लगती है, आपने देखे हैं मिनी सनफ्लावर की, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये देखे खिले हुए। तो मेरे गार्डन का पूरा व्यू इस तरह से कुछ आ रहा है। तो एक लास्ट का व्यू। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई चैनल।